पाकिस्तान में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर कामयाब क्यों होती है, इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका जाकर टेस्ट मैच क्यों जीतती है। देखिए, उसकी वजह बहुत सिंपल है कि इंडिया अपने तमाम तर की प्लेयर्स को मीनिंगलेस बायलेटरल T20 सीरीज नहीं खिलाता, इंडिया अपने तमाम तर प्लेयर्स को NOC नहीं देता दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलने के लिए। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो इंडिया ने एक रूल रखा हुआ है कि कोई भी प्लेयर अगर दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो इंडिया से रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद एक खास पीरियड गुजारेगा, एक खास टाइम गुजारेगा, उसके बाद वो कैरेबियन प्रीमियर लीग या फिर ILT20 या फिर कहीं भी T20 क्रिकेट खेल सकता है। उसके बरक्स पाकिस्तान जैसी टीम जिसने तकरीबन पिछले 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, पाकिस्तान जैसी टीम जिसने आज तक साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती, उस मुल्क की प्रायोरिटी का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के फाइनल को रीस्केड्यूल किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने एक लोकल T20 लीग करवानी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज आप देख लें, आप फोकियत किस चीज को दे रहे हैं कि एक मीनिंगलेस T20 लीग जिनको आपने NOC जारी करने के लिए उनसे पैसे लिए हैं, कुल लगभग 2 करोड़ लिया होगा या फिर 40-50 लाख रुपए लिए होंगे, कि आप उन्हें NOC जारी कर रहे हैं T20 टूर्नामेंट करवाने के लिए। पाकिस्तान का फोर्ट्रेस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट वेन्यू नेशनल स्टेडियम कराची, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल होना था, वहां पर आजकल चल रही है सिंध प्रीमियर लीग। यानी आप पाकिस्तान क्रिकेट के हालात देख लें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मीनिंगलेस T20 सीरीज, एक मीनिंगलेस T20 कॉम्पिटिशन, एक मीनिंगलेस T20 लीग। फिर आप कहते हैं कि आपकी टेस्ट टीम दुनिया में जाकर परफॉर्म क्यों नहीं करती, फिर आप कहते हैं कि आपके बैटर्स लंबी बारी क्यों नहीं करते, और हाल सुन लीजिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर इनिंग्स को लिमिट कर दिया है 80 ओवर तक। यानी 80 ओवर एक टीम ने बैटिंग करनी है और 80 ओवर में आपने जितने भी रन्स कर लिए, दूसरी टीम ने फिर बारी करनी है, सेकेंड इनिंग्स आएगी। तो ये दुनिया में कहां पर होता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप लिमिटेड कर रहे हैं 80 ओवर तक। यानी 80 ओवर का ये मतलब है कि रिवर्स स्विंग इन प्ले नहीं आएगी, दूसरी नई बॉल किसने खेलनी है, स्पिनर्स ने बॉल कब करना है, जब बॉल पुराना हो जाएगा रिवर्स स्विंग किसने खेलना है, लंबी बारी करने का आपके बैटर्स के पास आर्ट कहां से आएगा। तो जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जब आप फोकियत देते ही नहीं है अपने मुल्क के डोमेस्टिक सर्किट को, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, कोई भी सिलेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखने आएगा, कोई भी सिलेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फॉलो नहीं करेगा। और सर पकड़ के बैठने वाली बात है भाई ये कि 80 ओवर कहां पे होते हैं। 80 ओवर की क्रिकेट में फॉर एग्जांपल 60-65-70 ओवर के बाद कप्तान जो है वो फील्ड खोल देते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगा देते हैं, मिड विकेट लगा देते हैं कि बैटर्स अब हिटिंग करने जाएंगे। भाई लंबी बारी कौन करेगा, एक एक दिन डेढ़ डेढ़ दिन बैटर कौन बारी करेगा, जब आप अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही प्रैक्टिस नहीं करवा रहे प्लेयर्स को लंबी बारी करने की, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या खाक बड़ी बारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितनी दफा पाकिस्तान, बल्कि इन तीनों टेस्ट मैचेस में 6 के 6 दफा पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है, पूरी बारी आप कर ही नहीं पाते, आपके प्लेयर्स लंबी इनिंग्स खेल ही नहीं पाते। क्यों नहीं खेल पाते? क्योंकि उन्हें अपने घर डोमेस्टिक क्रिकेट में ही, जब आप क्रिकेट को इतना छोटा कर रहे हैं, 80 ओवर पर मुश्तमिल क्रिकेट कर रहे हैं, ना दूसरी नई बॉल कोई खेल पाएगा, ना पुरानी गेंद के साथ कोई रिवर्स स्विंग कर पाएगा, ना स्पिनर्स की गेंद में वो इफेक्ट होगा, ना वो लूप देंगे, ना वो फ्लाइट देंगे कि बैटर्स को वो डिसीव करें। हर बॉलर बचने की कोशिश करेगा, हर बॉलर अपने आप को बचाकर गेंद करने की कोशिश करेगा, हर बैटर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएगा, ना कोई बॉलर बन सकेगा, ना कोई बैटर बन सकेगा, ना कोई स्पिनर बन सकेगा। लोग सवाल करते हैं कि हम क्यों नहीं जीत पाते ऑस्ट्रेलिया में, हम क्यों नहीं जीत पाते वेस्ट इंडीज में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाते, हम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाते, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाते। भाई जब आप तैयारी ही नहीं करेंगे, जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट को, जब आप लंबी क्रिकेट को, लंबे फॉर्मेट को, बड़ी क्रिकेट के प्लेयर्स ही तैयार नहीं करेंगे, तो क्या आप हाथ जाके जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ने जो टेस्ट सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आप पुजारा की बैटिंग देखें, 250-300 गेंदों पर 60-70 रन करते थे, कल आप देख लें कि अश्विन ने 80-85 गेंदों पर 28 रन किए। आपका प्लेयर कोई कर सकता है? आपका प्लेयर 35 गेंदे 30 गेंदे खेलेगा, निकल के मारने की करेगा, आउट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी तैयारी करता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब आप अपने प्लेयर्स को खुलम खुला एनओसी देंगे लीग क्रिकेट के लिए, तो यही रिजल्ट होगा कि शाहीन शाह अफरीदी पहले दो टेस्ट मैचेस खेलने के बाद तीसरे टेस्ट मैच से पहले ग्राउंड में व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, बिटवीन द सेशंस शाहीन शाह अफरीदी व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटी देखें, आप अपने प्लेयर्स की प्रायोरिटी देखें और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं कि आपकी मुल्क में टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है।